व्यक्ति के जीवन में धर्म का एक अलग ही महत्व है। किसी के लिए मोक्ष का रास्ता होता है तो किसी के लिए एक अच्छा इंसान बनने का। दुनिया में आज के समय में कुल 4300 धर्म है, लेकिन इन्हीं धर्मों में अगर कुछ टॉप के धर्मों को देखें तो इस्लाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसने 7वीं सदी में जब अपने पैर पसारने शुरू किए तो दुनिया के बहुत से लोग इस धर्म से प्रभावित हुए। लेकिन इस धर्म को इतना बड़ा करने और इसे एक बेहतर धर्म बनाने का काम जिस इंसान ने किया, उसकी कहानी भी अपने आप में बहुत रोचक है। आज के वीडियो में हम आपको उसी मोहम्मद साहब के बारे में बताने जा रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर का जन्म अरब देश के मक्का शहर में इस्लामिक महीने रबी उल अव्वल के दौरान 22 अप्रैल 571 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। पैगंबर मोहम्मद अरब के मशहूर कुरैश खानदान में पैदा हुए थे। मोहम्मद साहब अपने दादा अब्दुल मुतलिब के बेहद करीब थे। उन्होंने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। उनका जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला का निधन हो गया था और जन्म होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया। उस समय मक्का शहर का मौसम हद से ज्यादा गर्म और उमस भरा हुआ करता था, जबकि रेगिस्तान का मौसम लोगों के रहने के लिए ज्यादा अनुकूल था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि नवजात बच्चों का मक्का में रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए वहां पर नए जन्मे बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तानी लोगों को सौंपने का रिवाज बन गया था। रेगिस्तान में रहने वाले खानाबदोश लोग बदोही कहे जाते थे। पैगंबर मोहम्मद जिस रेगिस्तानी औरत को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। हलीमा ने 2 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण किया और इसके बाद उन्हें वापस असली माँ आमीना को सौंप दिया गया, जिसके बाद अमीना अगले 4 साल तक अपने बेटे की परवरिश करती रही। लेकिन उसके बाद गंभीर बीमारी की वजह से उसकी माँ की भी मौत हो गई। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। माता पिता दोनों की ही मौत हो जाने की वजह से मोहम्मद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल पर आ गई थी। लेकिन 2 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। दादा के गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने कंधों पर ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफी मेहनती थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और सिर्फ 9 साल की उम्र से व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया व्यापारिक सफर पर भी जाने लगे थे। सीरिया के ही एक सफर के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात ईसाई धर्म के एक विद्वान से हुई, जिसका नाम बायरा था। उस विद्वान ने भविष्यवाणी करते हुए उनके चाचा से ये कहा था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत महान काम करेगा। जिस वक्त ये भविष्यवाणी हुई थी उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। बताया जाता है कि उस जमाने में अरब के लोग अपने फरीबी के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इसके उलट पैगंबर मोहम्मद शुरुआत से ही बेहद ईमानदार और सच बोलने वाला इंसान थे। वो शुरू से ही कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते उनके मुंह में सच ही निकलता था। सीरिया के लोग उनके स्वभाव को देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि उस समय अरब में ऐसे किसी इंसान का होना कोई आम बात नहीं थी। उनके इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें अल अमीन और अल सादिक नामों से पुकारना शुरू कर दिया, जिनका मतलब है भरोसेमंद और सच्चा। मोहम्मद पैगंबर अपने स्वभाव के कारण मक्का में इतने प्रसिद्ध हुए कि एक महिला ने उन्हें शादी करने का प्रस्ताव भी भेज दिया। इस महिला का नाम खदीजा था। वो 40 साल की एक विधवा औरत थी और इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल की थी, और ये पहली बार था कि उन्हें किसी ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र में इतना फर्क और उस महिला के विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया, और इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। मोहम्मद पैगंबर और खदीजा के कुल 6 बच्चे हुए, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके दोनों बेटे 3 साल तक जिंदा रह पाए, जब तक उनकी उम्र 23 से 30 साल के बीच रही थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने पूरे जीवन में कुल 13 शादियां की थी, लेकिन उन्हें बच्चे अपनी 2 पत्नियों से ही हासिल हुए। पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व में ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, साथ ही खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वो हमेशा हाथ धोते थे और दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे।
अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या अलग है, तो उस समय मक्का के लोग इतने सभ्य नहीं थे कि वो खाने से पहले हाथ धोएं। यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण वहाँ पर लोग महीनों तक नहाते ही नहीं थे, तो हाथ धोना तो बड़ी दूर की बात है। इन लोगों के लिए चोरी व डकैती करना, शराब पीना, महिलाओं से गलत व्यवहार करना और मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल आम बात थी। और जुल्म का आलम यह था कि ये सिर्फ अपनी तलवार की धार जांचने के लिए मासूम लोगों की गर्दन काट देते थे। लोगों में पहले इस बुराई को देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत दुखी होते थे, और ये सब देखकर जब उनका मन परेशान हो जाता तो वो कुछ समय के लिए हीरा नाम की गुफा में चले जाते ताकि उनके मन को शांति मिल सके। इस्लामी परंपराओं में माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद इस गुफा में गए तो जन्नत के दूत जिब्रील उनसे रूबरू हुए। जिब्रील ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई और कहा उनके पीछे पीछे इन शब्दों को याद करें। इसके बाद मोहम्मद पैगंबर ने जिब्रील के साथ साथ आयतें पढ़ी। इसके बाद जिब्रील ने मोहम्मद से कहा कि जाओ और लोगों को कुरान की शिक्षा दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी चुना है। जिसे अगर आसान भाषा में समझें तो जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें अपना लास्ट मैसेंजर गॉड चुना है। उस समय जब उनकी उम्र 40 साल थी। इसके बाद मोहम्मद पैगंबर खुद को नबी चुने जाने की बात सुनकर काफी परेशान और बेचैन हो गए थे। उन्होंने घर वापस आकर जब अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई ने उन्हें समझाया कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने खुद उन्हें चुना है तो उन्हें अल्लाह की बात मानकर इस्लाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन उन्हें ये चिंता भी थी कि अरब के दुष्ट लोग उनके नबी होने की बात को किस तरह कबूल करेंगे। सबसे पहले उनकी पत्नी हजरत खदीजा ने उन्हें अपना पैगंबर नबी होने का कबूल किया। इसके बाद इनके करीबी दोस्त और उनकी गोद लिए बेटे ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया। 3 साल तक ये इसी तरह लोगों को कुरान और इस्लाम सिखाते रहे और उन्होंने 613 ईस्वी में पहली बार आम लोगों को कुरान की शिक्षाएं देना शुरू किया। शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने उनकी शिक्षाओं का विरोध करते हुए मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और बहुत से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। जिब्रील अल्लाह का जो संदेश लाता है उसे पैगंबर कुरान के द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे। 610 ईस्वी से अगले 23 साल तक जिब्रील ये संदेश पैगंबर तक पहुंचाता रहा, जिसका मतलब ये था कि मोहम्मद पैगंबर ने जो कुछ कुरान लिखा था वो सारे संदेश जिब्रील के द्वारा अल्लाह भेजते थे। और इसी तरह पैगंबर लगातार अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। लोगों को कुरान की शिक्षा देते हुए 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर अपना काम करके दुनिया की अच्छाई का रास्ता दिखाकर खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। आपको मोहम्मद साहब की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।